भगवान युद्ध में नाग पास में बध गए। आप कथा सुने होंगे, भगवान और लक्ष्मण भैया नाग पास में बध गए। नाग पास में बैठ गए, बन गए, तो नारद जी ने गरुण जी को भेजा भगवान के पास कि गरुण जी का भोजन सर्प है, आप जाइए और भगवान को सर्प बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी महाराज आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और मुक्त करने के बाद सोचने लगे, भव बंधन ते छूटै नर जप जा कर नाम, खरब निसाचर बाधै नाग पास सोई राम। गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जप से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध देंगे सर्प से। जिस भगवान का नाम ही भाव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को राक्षस बांध दिए, ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, पकड़ा मोह ने हो ब्रह्म ने, ये भगवान नहीं है। गरुण जी महाराज भागे कहां, नारद जी के पास जाकर बोले, किसके पास भेज दिए थे, वो भगवान नहीं थे। नारद जी बोले पकड़ लिया। बोले क्या पकड़ लिया? नारद जी बोले बीमारी ने पकड़ लिया आपको, मोह ने पकड़ लिया, माया नचाना शुरू कर दी है। एक काम करिए, आपके आपके बीमारी का ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। अब यदि किसी को पता चल जाए कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आदमी पागल हो जाएगा, जो जहां डॉक्टर बताएगा वो वहीं दौड़ा जाएगा। नारद जी बोले जाइए ब्रह्मा जी के पास। गरुण जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जे ही बहु बार नचा मोही सोई व्यापे ओ विहंग पति तो ही। इस बीमारी ने ब्रह्मा जी बोले हमको भी बहुत परेशान किया है, बहुत बार हमको फंसाया इस बीमारी ने, वही बीमारी आपको भी हो गई है। गरुण जी बोले खतरनाक है क्या? बोले बहुत खतरनाक। अब गरुण जी बोले कि ब्रह्मा जी दूर कैसे होगा? ब्रह्मा जी बोले स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, एक काम करिए कैलाश पहुंचिए बाबा के पास, वही इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है। गरुण जी दौड़ने लगे कैलाश की ओर, तब तक रास्ते में बाबा मिल गए, भगवान शंकर। गरुण जी दंडवत किए, अपना सिम्टम बताए, बोले आप उपचार करने में सक्षम हैं। शंकर जी बोले देखिए चेम्बर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हैं, रास्ते में कैसे उपचार करूं, लेकिन आपका सिम्टम सुन के ये पता चल गया है कि आपकी बीमारी कैसे जाएगी। गरुण जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा, कब जब बहु काल करिय सत्संग। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे गरुण जी, तो सत्संग से आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुण जी बोले फिर शुरू करिए सत्संग। बाबा बोले कहां रास्ते में करूं, मैं जा रहा हूं कुबेर के यहां मीटिंग है, मैं तो लंबा सत्संग नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक ऐसे स्थान में भेज रहा हूं जहां पर तज हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, एक ही काम, जगो तो कथा शुरू कर दो और नींद आए तो कथा बंद करके सो जाओ, वहां हमेशा कथा चलती है। 27 कल्प बीत गए कथा चल रही है। कहां? गरुण जी महाराज को भगवान शंकर बोले आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काक भुसुंडी जी महाराज हैं।
पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा आप चाहते तो क्षण भर के अंदर गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? भगवान शंकर बोले, देवी मैं भगवान की लीला में विघ्न नहीं बनना चाहता। भगवान के निकट रहने वाले जीव को मोह हो रहा है, इसको सामान्य मत समझिएगा। गरुण जी महाराज भगवान के निकट रहते। अच्छा आप बताओ, किसी भी आदमी के अंतरंग बात को जानते हैं? घर का कौन सा सेवक जानता है? ड्राइवर, वो गाड़ी चलाता रहता है और स्वामी के सब बात सुनत है। पति पत्नी पीछे बैठ के लड़ते हैं, वो भी सुनता है। ड्राइवर दोनों में जमा है आज। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं, अति निकट रहने वाले हैं, सेवक हैं, उसके बाद इनको मोह हो गया, ये सामान्य घटना नहीं है। शंकर जी बोले, होइह कीन्ह कबहु अभिमाना। गरुण जी अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे, सोई खो वै चह कृपा निधाना। भगवान उसी अभिमान को आज चूर्ण करना चाहते हैं। कब? जब आदमी अपने छोटे के सामने जाकर नीचे बैठता है तो उसका सारा अभिमान वहीं पर चूर्ण होकर समाप्त हो जाता है। आज पक्षियों के राजा है और आज काकभुसुंडी जी के सामने जाकर बैठ करके सुनेंगे ना, अभिमान समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा पहला कारण। और दूसरा कारण, काकभुसुंडी जी पक्षी हैं, गरुण जी भी पक्षी हैं। खग समुझे खग ही के भासा। एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उनको, उनको काकभुसुंडी जी के आश्रम भेज दिया। गरुण जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत, और आप दर्शन करिए भगवत कथा की महिमा। जैसे इस हॉल में कथा आज प्रारंभ हुई है, उसी प्रकार जिस आश्रम में बैठकर काकभुसुंडी जी कथा गाते थे, गरुण जी महाराज केवल अभी आश्रम का दर्शन किए, कथा नहीं सुने। जिस स्थान पर कथा चलती थी उस स्थान का दर्शन किए, कथा होते होते उस स्थान की इतनी दिव्यता हो गई थी कि गरुण जी महाराज आश्रम का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भ्रम समाप्त, मोह समाप्त, संशय समाप्त, भगवत कथा पर प्रेम जागृत हो गया। इधर काकभुसुंडी जी मंगलाचरण करने वाले थे, राजा दिखाई पड़े, गरुण जी आए हैं। व्यासपीठ से उतरे, जाकर दिव्य आसन पर राजा को बिठाए, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उका। अच्छा ये बताओ, कौआ कितना मीठा बोलता है ना, कहिए। अरे चुप क्यों है, कहिए। हाँ चाहे ना, मीठा बोलता है कौआ। कैसा बोलता है? कर्कश। लेकिन श्री रामचरितमानस में कौआ जी हैं जो मीठा बोलते हैं। मधुर वचन तब बोले उका। कागा ने कैसा वचन बोला? मधुर वचन। ये प्रसंग कहता है, ये प्रैक्टिकल मैंने तीन लोगों पर करवाया है, तीन लोगों पर प्रैक्टिकल आपको जीवन की बात सुना रहा हूं। जिस मनुष्य की वाणी में कर्कशता है, उस मनुष्य से एक साल केवल राम नाम का कीर्तन कराइए, नित्य 10 मिनट सवेरे सवेरे। मैं आज ऐसा गा रहा हूं, माई बाप मेरी पहले ऐसी भाषा नहीं थी, न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न बैठने आता था, न उठने आता था, न खाने आता था, कुछ नहीं आता था, पशु की तरह जी रहे थे। एक बार कलकत्ता में कथा चल रही थी पूज्य महाराज श्री की, मैं दूसरे कमरे में था, पूज्य महाराज श्री ने मुझे आवाज दी,
मैं कमरे में गया तो महाराज श्री बेड पे थे और सामने सोफे पर महाराज श्री के मित्र बैठे थे। मैं उनके मित्र के सामने से जाकर महाराज श्री के पांव के पास खड़ा होकर बोला, सरकार क्या आज्ञा है? तो महाराज श्री हमको देखकर मुस्कुराए, बोले कि गीता प्रेस में किताब है, क्या करें और क्या ना करें उसको मंगाइए और मंगा के पढ़िए और जाइए। मैं तो समझ गया कि मेरे से कोई अपराध हो गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो बात नहीं कही गई, दूसरी बात कही गई, अब मैं बेचैन, कौन सा अपराध हो गया है। रात्रि में जब सेवा में था एकांत में, तो मैंने पूछा, सरकार इतना तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर महाराज जी ने कहा, बेटे अपने से श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। आप जब गए तो आपके सामने मेरे मित्र बैठे थे, स्वामी का मित्र भी स्वामी के बराबर होता है, पिता का मित्र पिता के समान होता है। जीवन में कभी श्रेष्ठ के आगे से गुजरना पड़े तो उसका उसकी मर्यादा है, पहले बाएं हाथ को आगे निकाले, ये पर्दा है, चले हाथ को आगे निकाले और सिर को नीचे झुका के तब जाना चाहिए। अर्थात सिर झुका के हम आपको वंदन कर रहे हैं और हाथ लगा के हम पर्दे की आड़ में जा रहे हैं, ये संस्कार है और ये मर्यादा है। न बताते तो कैसे सीखता हूं मैं, अब बताओ। इस तरह केवल ये नहीं, एक एक व्यवहार जीवन में कैसे जीना है मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया, कैसे बोलना चाहिए कैसे बैठना चाहिए। मैं पहले ऐसे नहीं गाता था, ये तो जब से भगवान की कथा गाने लगा हूं, कथा गाते गाते वाणी में मधुरता आने लगी है और आप सबको करणप्रिय लगने लगा और सब लोग सुनने लगे, पहले नहीं गाता था। जिसकी वाणी में कर्कशता हो उससे एक साल नित्य 10 मिनट राम नाम का कीर्तन कराइए सुबह सुबह, एक साल के भीतर वाणी में मधुरता आ जाएगी, करके देखिए। यहां काकभुसुंडी जी ने मधुर बचन तब बोले, मधुर बचन बोले, बोले हे गरुण जी महाराज आप क्यों आए हैं? गरुण जी ने कहा कि आपके बारे में प्रशंसा आपकी भगवान शंकर कर रहे थे, मैं आपके पास उनके भेजने से आया हूं, और क्यों आया हूं? सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भयो दरस तव पायो, सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भयो दरस तव पायो, देखि परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना, देखि परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना, अब श्री राम कथा यति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन शावनी, अब श्री राम कथा यति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन शावनी, सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, हाँ सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार विनवहु प्रभु तोही राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
गरुण जी ने कहा, देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम के दर्शन मात्र से सारा संशय मोह भ्रम मेरा समाप्त हो गया।